मेहमान संगवारी हो, हमन आपमन बर लाए हन नवा कार्यक्रम जेमा हमन खाना बनाए के तरीका सीखबो। आई काबर के तीज त्योहार के सीजन आवत हे और हमन ला खाना बनाए बर आवय नहीं, त एक जन हमर सैफ आहे दुबई के बहुत बड़े सेफ हैं, एकर वहाँ कम से कम 7-8 ठन तो बड़े बड़े का बोलते होला 5 स्टार से ही होटल नहीं है, और सामने में ओकर मन के ढाबा हावे, तो वैसे ढाबा मन में यह खाना वाना बनाते हैं। एक नाम है अलाउद्दीन खिलजी और मस्त खाना बनाते हैं। तो आज आप मन का बना के सिखाओ भैया? मैं हाँ आजकल का है जैसे कि हमारे गृहिणी है घर में है, तो भिनिये लूट के लड़के मन स्कूल भेजते हैं, तो का है खाना बनाने में बहुत दिक्कत होती है, मतलब आदमी परेशान हो जाते भाई, एकदम तुरंत खाना चाहिए। तो मैं हाँ आज इसने खाना बनाऊँ, पहले आप मन बना के मात्र 8 घंटा पहले रख दो, तहन भिनिया वाला खा सकते हो। अच्छा, मतलब बहुत जल्दी बने के बन जाते खाना आप मन? हाँ बिल्कुल बन जाते। अब खाना बनाए के तो का सामान लगते हो, किसे का लगते? खाना बनाए बर सबसे जरूरी चीज का है पता है? साग सब्जी सामान नहीं, खाना बनाए बर सबसे जरूरी चीज है भूख। अरे एकदम सिरतन गुठिया, पहली आदमी ला भूख होना चाहिए। हां हां भाई, भूख नहीं है तो खाना बनाए का गागा रो मतलब देना है? नहीं नहीं, तो पहली भूख लगना चाहिए। तोला भूख लगत का? नहीं अभी नहीं लगा, अभी चेक कर ले ये दूठना गाकर रोटी खा का है। अच्छा अभी का है मूल भूख नहीं लगत है, तो हमन आधा घंटा इंतजार कर लेथन। हाँ चलो ठीक है, तो आप मन हाँ तब तक एक आठ मस्त रहती होती के कुछ करो आप मन काम बुता ला, हम हाँ तब तक आधा घंटा भूख के इंतजार करते हैं, भूख लगती ना तो मनाना शुरू कर दो। ठीक है सब महाराज? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। जम्मो संगवारी मला जय जोहार, मैं हूँ करण खान और आप मन देखो बिंग छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल, ये सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। जय जोहार। संगवारी हो गए आधा घंटा भूख लागे बेर हो गए से महाराज, तो बनाना शुरू करन तो बिगड़ लागत है लगत है। तो जैसे कि संगवारी हो आप मन अब जानत हो कि हमन ला भूख लगत है, यही सही टाइम है खाना बनाना शुरू करे की, काबर के भी थोड़ा थोड़ा भूख लगना चालू है, ज्यादा लगते तो आदमी दिमाग कंझा जाते है, आदमी मारपीट में उतर जाते है, तेकर ले बढ़िया है भाई सही टाइम में शुरू कर दो। सही टाइम के नॉलेज होना बहुत जरूरी है। हल्का हल्का भूख लगना चालू मतलब खाना बनाना स्टार्ट, भूख लगत ले आप मने खाना तैयार हो जाए, एक नंबर सही। फिर चलो आज खाना बनाते हैं। तो शेफ महाराज हमला खाना बने जो बनाने वाला है वो आप मन का विशेष बना के खिलाने वाला हूँ आज, हमन आप मन ला खवाबो एकदम सस्पेंस वाला चीज है। सस्पेंस वाला नहीं तो थोड़ी कुछ इधर तक मतलब बताते हैं कि का बना खाने वाला। अब भाई ये बन ही तो खाऊ तो जानू ज्यादा मजा आई ना। अच्छा, मतलब सस्पेंस में अलग मजा है। अच्छा, तो शाही सब्जी मतलब एकदम रॉयल? हां एकदम, बने के बाद ओकर नाम रख ले, आज तक मैं ओकर नाम भी नहीं रखती हूँ, पहली बार आप मन के शो में मैं ओकर नामकरण कर। अरे मतलब ये आज हमर मन के लिए स्पेशल। हां हां भाई, पहला अभी से मुंह में पानी आने लगी है ना, तो आप मन जिन बनाने वाला ओकर लिए हमला का सामान लगी? ओकर बर तोला चाहिए 1 किलो नमक। एक किलो नमक। अच्छा, तो सादा सुनसान डालना है कि सीधा 1-1 किलो भर भर ले डाल देना है? आप पहली लाभ फिर हमन उला अपन हिसाब से डाल लेबो। अच्छा ठीक है। ओकर बाद चाहिए तोला 5 किलो हल्दी। 5 किलो लिख, पेन लिख। नमक 1 किलो, 5 किलो हल्दी, 5 किलो हल्दी, 2 किलो काला नमक, 2 किलो काला नमक, 1 किलो जीरा, 1 किलो जीरा, 5 किलो प्याज, 5 किलो प्याज, 2 किलो टमाटर। 2 किलो टमाटर के रेट ला जानता है घलो 80 रुपए किलो चला था मार्केट में। 80 रुपए किलो? ता एक काम कर, तुरंत टमाटर लाना 5 किलो मंगवा। ऊपर हवा था जी, 5 किलो टमाटर डाल देते हैं। अब डाल दे, वो महंगा है था। 5 किलो टमाटर कौन से मोर पैसा लगा? प्रोड्यूसर के लगे थे, प्रोड्यूसर जाने ते मगान जी। हाँ ठीक है, 5 किलो टमाटर हो। बस ये सब सब्जी मल्ला पैक करा के मोर कार में रख दू। अच्छा, ये सब सब्जी कार में रख, तो ये सब्जी मन कार में बन थी? नहीं कार में रख के तो मैं ले घूं, यहाँ पर मैं यहाँ अलग से सामान लाए हूँ। अच्छा तो ठीक है, ओला हाँ एला ए इतिया तो एला भैया के कार में रखवा देवे। हाँ तो आगे तो ये चूल्हा हवे, माचिस हमारे यहाँ
लाइटर के ना वो हे स्टागरी सेल हां तो माचिस लाया हो गैस में मैं खाना नहीं बनाऊं अच्छा तो का हे ज्वालामुखी में बनाता है का जी नहीं मोला चाहिए स्टोव माटी तेल वाले माटी तेल वाले अब आजकल कहां माटी तेल वाला मिलते हैं भैया शेफ महाराज तो हूं एकदम गजब उठिया था बहुत इंपॉर्टेंट तभी स्वाद आई अच्छा अच्छा तो अभी आजकल सोचो आजकल के खाने मन में स्वाद काबर नहीं का गैस वाला खाना खा भी ना तो पेट में गैस बनते ओहो हो सही 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 आधा आज मनखे मन तो इसने बीमार हुआ थे गैस की बीमारी अंतत तो चारों कोती निकलते थे हम बगल वाला मन घलो तकलीफ होते ता हमन लाबो स्टोव हमर कर रखे है हमन ला पता रहते ककरो कर नहीं रहे अरे सही 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 आप मन एकदम दयालु किस्म के आदमी लगा तो मोला ता थोकन एला हटाऊं मैं हां ओला हटा का है जब मैं खाना बनाना सीखी रहे हो ना ये है मोर गुरु जी मोला गिफ्ट करे रही बहुत बढ़िया बहुत तबले में कहीं भी जाता हूँ मैं यही खाना बनाता बढ़िया नहीं चालू करे ओह नो चालू कर चालू करो कैसे करते जी ये दे मेरे ला बाबा दोनों हाथ से पकड़ के मार मार करा थे अब हुआ भर अब माचिस मारो हाँ मार मार तभी भी नहीं बारा सेगा अब हुआ भर खाना बनाए में इतना मेहनत लगते है तभी तो स्वाद आते भाई मेहनत लगते है अगर खाना में मेहनत नहीं है तो खाना में स्वाद ही नहीं आवे बता रहे हैं ओह सॉरी ये मेरे लिए टाइट कर लगते गैस निकल दी से अब भर अब भरूं तो हुई ना हुई हुई अब मारो मार 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 ये निकला भैया वो पिन घलो मारल पड़ते लब कौन में मारते ले मैं जला देता मैं माचे मारो बता दे हैं बता दे मार 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 इसके तो मतलब चुचुआ से कागा है लगते खराब हो गई है अपन गैस ले वही बना लेते हैं हाँ तो गैस लाऊं दोबारा हाँ अब ये गैस चूल्हा घलो आगे तो कढ़ाई घलो रखा गे तो अब बताओ अब कोई चीज की जरूरत है का मल्ला है अब हमल्ला खाना बनाए की जरूरत है तब बनाना शुरू करो भैया बिल्कुल तो खाना बनाना शुरू करथन हाँ। गैस ला पहले चालू कर लेथन हाँ। तो अब हमार गैस गरम हो चुके हैं हमार कढ़ाई गरम हो चुके हैं हमारे में डालमो 3 चम्मच नीम के तेल अच्छा का है नीम के हाँ नीम के तेल बहुत पौष्टिक होते हैं नीम के तेल डालबे नहीं तो आदमी के पेट की कीड़ा मन पूरा मर जाते ओकर बाद हमन डालबो एमा 1 चम्मच औंगन तेल का है एक खावे ना तो आदमी के शरीर चुस्त दुरुस्त हो जाते पूरा रिवाइटल काम करते ये ओंगन तेल हुई रन जन बैल गाड़ी में हमन यूज करते हां हां तबे तो गाड़ी मन स्पीड चलते जी अच्छा अच्छा आदमी शरीर भी एक मशीन है सुनेच की नहीं सुने सुने डॉक्टर मन बोलते मशीन है मां हर चीज तेल पानी जरूरत पड़ते तो ये उही तेल है अच्छा अच्छा ओकर बाद हमन एमा डालबो 1 चम्मच जीरा 1 चम्मच जीरा 1 चम्मच हल्दी हल्दी और एक एमा हमन डालबो भेलवा भेलवा ये भेलवा की मात्रा कितना कन रखना है मतलब जितना हो सके तोरा जितना मिले आधा किलो पौन किलो डाल देबे आधा पौन किलो तो मान के चल 4 आदमी के लिए हमन ला पौन किलो 4 आदमी में पौन किलो पर्याप्त है उतना आदमी काम हो जी अच्छा अच्छा ओकर बाद हमन एमा डालबो थोड़ा सा घी घी ये घी शुद्ध बकरी के बकरी समझ गए अच्छा गाय के भैंस की नहीं होना है बहुत नुकसान करते पानी कितना डाल सकते हो तो अपन मात्रा के ऊपर है तब हमन एला 1 घंटा पके पर छोड़ देबो 1 घंटा अच्छा मतलब 8 घंटा पहले बनाए के प्रोसीजर है भाई 8 घंटा पहले बनाबो तब तो भिंडियल खाबो अच्छा अच्छा है ना तो मिलथन 1 घंटा बाद तो फिर से स्वागत है आप मन के 1 घंटा बाद खाना हाँ बहुत बढ़िया तरीके से बना था पर शेफ महाराज खाना एको कनी ममहावत नहीं है एको कनी खुशबू उशबू कुछ नाम की चीज़ नहीं है वो देख चिड़ई चिड़ई
तो मस्त खुशबू आवत का सुन के मोला भूख लागत है और खुशबू ऐसे जैसे हमन शरीर में उठन ना पॉन्स पाउडर तैसन है। तभी तो पड़ोसी मतलब पता चली माही जी कि खाना बनत की के अब लगभग लगभग हमारे खाना तैयार हो चुके है। खाना तो मस्त बिल्कुल खाना रेडी हो चुके है अब एला हम मन चख सकते हैं। मोला तो ऐसे मन करा थे मुँह में पूरा पानी आ गया ऐसे मन करा थे कि सीधा कढ़ाई अंदर घुस जाओ। नहीं कढ़ाई मत घुसो नहीं जर जबे थे खाए पर रेडी है बिल्कुल बिल्कुल। फिर संगवारी हो चलो एला चखवा के देखते हैं एक जरिया डाल ले एमा और एला खाए से पहले एमा अंतिम इंग्रेडिएंट्स बचे हैं जो हम डालबो एमा हमन मिलाबो दही तुलसी गंगा जल। खाना में शुद्धता और पौष्टिकता होना बहुत जरूरी है। नहीं का है कि भाई आज तक खा था का पता दोबारा इसने खाना तो मिले था नहीं मिले नहीं नहीं तब बोले का है खाना में शुद्धता और पौष्टिकता होते ना तो मन सात्विक प्रवृत्त होते। खाना रेडी है अब लेते हैं चख के देख। तो दर्शकों खाना रेडी हो गई है अब मैं एक बार चख के बताता हूं कैसे बने हैं और देख के तो मोर मन में विकट पानी आवत है। चख के देख एकर बाद एकर नामकरण करबो बढ़िया से। ओह नो तो संगवारी हो जैसे कि आप मन देखे हो हमन आज रेसिपी में बनाए हैं नींद की दवाई। आदमी मन एला खा के सूत जाते काबर की आजकल के भाग दौड़ की जिंदगी में आदमी ला नींद नहीं पड़े। आदमी खटिया में सूते रहते अल्टी पट्टी मारत रहते पर उला नींद नहीं पड़े। आप मन एला खाओ तो तुरंत सूत जाओ। भाई बोरी लोड हो गया ना मोर गाड़ी में राम जय जोहार संगवारी हो संगवारी हो जिन अभी पिक्चर लगे है दाऊ मंदरा जी ये छत्तीसगढ़ के पहला बायोपिक मूवी है रे और हमारे छत्तीसगढ़ के सब आदमी मन ला ये पिक्चर ला देखना चाहिए संगवारी हो। संगवारी हो एमा जितना भी कलाकार है वो मन बहुत मेहनत करे है सबके कला बहुत उभर के आए है तो संगवारी हो एक बार जरूर जाओ जरूर देखो मंदराजी मूवी बहुत सुंदर मूवी है। तो संगवारी हो ये दाऊ मंदराजी जी है हमारे छत्तीसगढ़ के संस्कृति बचाए पर इतना प्रयास करे से इतना जैन भी कार्य करे है ओकर लिए दाऊ मंदराजी जी ला गाड़ा गाड़ा जोहार।